कभी अपने आप से भी पूछो, पढ़ाई में बैठो कभी अपने आप से भी पूछो कि यार बंदे तू नमाजें भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है और तूने हज भी किया है, सारे नेकी काम तू करता है, लेकिन कभी खुदा की मोहब्बत भी तेरे दिल में फड़की है? तो अंदर जवाब देगा कभी नहीं। तो इसका माना तो ये हुआ ना कि उस मकाम को आप छू भी नहीं सके जिसको इबादत कहते हैं, और मस्जिद बनाई गई थी इबादत के लिए। इसमें मैं अब ज्यादा बयान करता नहीं, जरा एक बात समझ लो, जल्दी से बात करता हूँ, समझ आ जाए खुदा करे, कि आप ने नमाज पढ़ी यहाँ जोर की नमाज पढ़ी, फिर आप बैठे हैं, फिर जोर की नमाज, फिर असर की नमाज, फिर पढ़ेंगे असर की नमाज के बाद, फिर आप फारिग होकर घर में जाएंगे या खाए पिएंगे, उस बाद फिर मगरिब की नमाज आ जाएगी, और मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, कुल्फत होगी, वुजू करेंगे, ठंडा पानी है, वुजू किया, और फिर और दूसरी आ जाएगी, रात आराम करें, सुबह फिर नमाज, और फिर सुबह खड़े हो जाओ, फिर दुकान में काम करें, दफ्तरों में काम करें, जोर का फिर नमाज। एक दीवाना अंदाज में ये बात करता हूँ, दीवाना आवाज में, कि कभी ये जहमत खत्म भी होगी? जहमत तो नहीं है, बेजत नहीं है, लेकिन दीवाना आवाज सदा में कोई कहता है कि ये जहमत कब खत्म भी होगी? नहीं खत्म होगी, पहले फिर बच्चों को पढ़ाओगे, पढ़ाने के बाद जब जरा बड़े होंगे फिर इनकी शादियां करनी है, फिर उसके बाद इनकी औलाद दे, या अल्लाह ये दुनिया का चक्कर, ये दुनिया की मोहब्बत, ये दुनिया के तकाजे कभी खत्म भी होंगे? आपका दिल कह रहा है कि ये तो कभी भी खत्म नहीं होंगे। और अगर किसी की उम्र हो गई 50 साल, तो 50 साल वो इन्हीं चक्रों में मेहनत करता, कभी ये मेहनत, वो मेहनत, ये मेहनत, वो मेहनत। किसी की उम्र हो गई 70 साल, तो वो भी ये मेहनत, वो मेहनत, ये मेहनत, वो मेहनत, जिंदगी भारी, जितनी बार जिंदगी रही तुम ये मेहनत ही करते रहे, इसकी बजाय खुदा की मोहब्बत का क्या ये तरीका आसान नहीं था कि मोहब्बत में जान दे दो, बस जान दे दो। अब मसला जब आया कि जान दे दो, ये नहीं है, ये कमाल इश्क, इश्क और मोहब्बत जो है कमाल इश्क, मर मर के जीना है ना के मर जाना, यानी ये कमाल इश्क है खुदाबंदी तभी है कि ये सारी उम्र जिम्मेदारियां इताअत शियारियां हुकूक को पे सारी उम्र इसी से रहो और तड़पते रहो कि मौत आ जाए। ये कमाल है मोहब्बत का, मोहब्बत की इंतहा जो है कमाल इश्क है, मर मर के जीना ना के मर जाना। तो मैं बता ये रहा हूं कि इश्क की इंतहा क्या है, वो है कि मर मर के जीना ना के मर जाना। कमाल इश्क क्या है? मर मर के जीना ना के मर जाना। अभी इस हाल से वाकिफ नहीं है हाय परवाने। परवाना जो है वो जानता नहीं, वो कहता है टकराओ मर जाओ, ट्रको मर जाओ,
पर जब क्षमा जलती हो और परवाने आए तो टकरा टकरा कर मर जा रहे हैं या नहीं। तो कहने वाले ने अजीब बात कही कि मोहब्बत का असल मकाम क्या है, मर मर के जीना ना के मर जाना। अब इस हाथ से वाकिफ नहीं है, हाय परवाने इस बात को समझे नहीं। अब सारी उम्र का बोझ अपने सर लो कि या अल्लाह नमाजें 5 रोज पढ़ेंगे, या अल्लाह रमजान आएगा रोज़ रोज़े रखेंगे, खाएं पिएंगे फिर नमाजों में। तो ये ज़िंदगी जो है पूरी वो है अल्लाह की राह में, इसका नाम है जिहाद अकबर। और जो वक्ती तौर पर जिहाद पर जाना पड़े उसका नाम है जिहाद असगर। तो सहाबा जब उस जिहाद से लड़ाई के मैदान में फतह याब होकर जब पीछे आते तो कहते रजा मेरा जिहाद असगर एर जिहाद अकबर। क्या इंसान, मुझे ज़िंदगी में मुश्किलात भी आएंगी, तकलीफ़ें भी आएंगी, मुसीबतें भी आएंगी, तरह तरह की बीमारियाँ भी आएंगी, औलाद के गम भी आएंगे, रोजी के गम भी आएंगे, कर्जों के गम भी आएंगे, लेकिन सारी उम्र अल्लाह ताला के हुज़ूर में मर मर के जीना सीखो। कमाल इश्क है मर मर के जीना, ना के मर जाना।